सकारात्मकता की तरफ बढ़ते हुए कदमों में, जैसा कि प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री बनने के बाद जो बड़ा फोकस रहा वो भारत के नौजवानों को दृष्टिगत रखते रहा। आज विश्व का सबसे युवा देश है, लेकिन युवा देश होने के साथ साथ हमारे यहाँ का वर्कफोर्स का मात्र 2% स्किल है, और इसी के कारण से हमारे यहाँ जो रोजगार की संभावनाएं हैं अपार संभावनाएं, लेकिन उन संभावनाओं में स्किल नहीं होने के कारण हम अपने नौजवानों को ठीक से रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे। रोजगार के पढ़ाई चलो ITI, इसके माध्यम से हमने नौजवानों को ITI की तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया, और हमारी इच्छा भी रही कि हम 8वीं पास करने के बाद 10वीं पास करने के बाद स्कूल में जाने के बजाय वो हमारे ITI पे आए, ताकि कुछ न कुछ हुनर उनको सीधा सीधा मिल जाए। और इस दृष्टिगत रखते हुए अभी 1.5 महीने पहले जो लॉन्च की योजना, उसमें 5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हमने लक्ष्य रखा था, लगभग 360,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी हो गया, और जुलाई तक हम इस पूरे आंकड़े को पार कर लेंगे, प्राप्त भी कर लेंगे। इस योजना के साथ साथ चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी जब सिंगापुर के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने सिंगापुर के ITI को देखा था, और ITI को देखने के बाद उन्होंने, उनकी मंशा थी कि मध्य प्रदेश में इस स्तर का एक ITI बनना चाहिए, और उसी को लेकर हमने ग्लोबल स्किल पार्क बनाने का संकल्प लिया। ADB से इसके लोन की व्यवस्था की, ADB ने उसकी मंजूरी दे दी, मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए 37 एकड़ ज़मीन हमारी प्राइम लोकेशन लरेरा संकरी वहाँ पर उपलब्ध करा दी। ADB का लोन हमारे पास 6,45,00,000 मंजूर हो गया। 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी जी, और रूड़ी जी के साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और हम सबके जाने माने के श्रीकांत, जो कि स्किल से जुड़े हुए हैं, हमने उनको विशेष अनुरोध किया था कि आप मध्य प्रदेश के इस कार्यक्रम में आइए, और वो भी हमारे इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। इसके अलावा वैश्विक होने के कारण बहुत से लोग इसमें अलग अलग एजेंसी से आ रहे हैं, जिसमें सिंगापुर एम्बेसी के कौंसलर जनरल अजीत सिंह जी, क्योंकि सिंगापुर का ही स्ट्रक्चर यहाँ पे लगेगा, इसलिए उनको हमने विशेष रूप से यहाँ पर आमंत्रित किया है। ऐसे टेक्निकल एजुकेशन सिंगापुर के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री ब्रूस, वो भी यहाँ पर इस समय इस आयोजन पे आ रहे हैं, और एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रिंसिपल सोशल सेक्टर स्पेशलिस्ट श्रीमती सुहाना ली, और इसके अलावा एजुकेशन फ्रेंच एम्बेसी के क्रिस्टोफ सिंगरिस, ये भी यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा और भी 2-4 देशों के लोग इस ग्लोबल स्किल पार्क के शुभारंभ के अवसर पर जो कार्यशाला हमने रखी है, उस कार्यशाला में अटेंड करने के लिए दिन भर का कार्यक्रम है, उसमें पधार रहे हैं। क्योंकि रोजगार को लेकर इसका हमने निर्माण करने का संकल्प लिया, इसका मुख्य उद्देश्य जो है बुनियादी प्रशिक्षण के क्षेत्र में तथा उद्योगों में अर्थव्यवस्था की उभरती हुई जरूरतों को पूर्ण करना, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण के प्रति युवाओं में रुझान सृजित करना, वंचित युवाओं के लिए विश्व स्तर के प्रशिक्षण और सुविधाएं बढ़ाना, एक ही परिवार में उद्योगों और प्रशिक्षण प्रदाताओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार एवं प्रशिक्षणानुसार तैयार सुसज्जित आधुनिकतम बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना। इसका मतलब यह है कि हमारा जो इतना बड़ा ये बनेगा, इसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखेंगे। जैसे ल्यूबियन कंपनी को अगर कुछ लोग चाहिए तो ल्यूबियन कंपनी अपनी लैब लगाएगी वहाँ पर, अपने ट्रेनिंग ऑफिसर्स देगी, हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर्स रहेंगे, वो उनकी आवश्यकताओं, जैसे उनको 600 लोग चाहिए ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में या भारत में, तो वो वहाँ लगा देंगे, उनको अलग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे स्ट्रक्चर में तैयार करेंगे। हमारी जो वैधानिक वो पूर्णता, उसको पूर्ण करने के बाद वो वहाँ पर तैयार करेंगे, तैयार करके जैसे उनका 600 का पूरा हो गया, वो जगह खाली कर देंगे, अगली बार हम दूसरी कंपनी को वो जगह दे देंगे। तो एक मतलब माहौल जो चाहिए, क्योंकि अभी क्या कंपनी ये कहती कि हम लगाएं कहाँ, और दूसरा हमारे पास ITI में इतनी बड़ी जगह नहीं है, और अब हम वैश्विक आवश्यकताओं, क्योंकि मध्य प्रदेश के नौजवानों में बहुत मद्दा है काम करने का, उसको कैसे विश्व की आवश्यकता के अनुरूप बना सकते हैं, ढाल सकते हैं, इसको मुख्य उद्देश्य को लेकर हमने इस की शुरुआत करने का प्रयास किया। और इसकी विशेषताएं यह है कि इसमें 10,000 छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा प्रतिवर्ष,
कम से कम 10,000 लोग हमने अभी लक्ष्य लिया है। प्रशिक्षक विश्व स्तर के होंगे, प्रशिक्षक जो होंगे वो लोकल नहीं होगा, वो विश्व स्तर का होगा। हमारी कोशिश भी होगी कि विश्व स्तर के सिलेबस को, पाठ्यक्रम को अनुरूप ही उसकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करें, ये भी हमारी तरफ से प्रयास रहेगा। प्रशिक्षण देने हो तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रदाताओं एवं इंडस्ट्री को अधोसंरचना उपलब्ध कराई जाएगी। मैं जैसे मैंने बताया कि उनको अधोसंरचना उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों का प्लेसमेंट भारत एवं भारत के बाहर इंटरनेशनल स्तर पर किया जाएगा। और इसके साथ हमारा मुख्य उद्देश्य इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री के लिए। अभी तक इंडस्ट्री के साथ संवादहीनता होने के कारण जैसे देखने में आया कि इंडस्ट्री को ये कहना है कि हमारे पास जो लोग चाहिए उस प्रकार के हमारे पास नहीं है, तो अब हम इंडस्ट्री वालों की मंशा के अनुरूप उनसे मंशा पूछेंगे, मंशा के अनुरूप कोर्स बनाएंगे और कोर्स बनाकर उनको वो रोजगार स्किल में नौजवानों को सौंपेंगे। तो एक अभिनव कार्यक्रम की शुरुआत ये स्किल ग्लोबल स्किल पार्क के माध्यम से होने जा रही है। 3 तारीख को आप सब लोग सादर आमंत्रित भी हैं। सादर आमंत्रण के साथ, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते हम जनता का फीडबैक लेते हैं, लेकिन आप सब लोग सीधा सीधा फीडबैक लेते हैं। जहाँ अच्छाइयाँ हैं वो तो आपके द्वारा परिलक्षित होती है, कई खामियाँ कमियाँ हैं तो मैं तो स्पष्ट रहा हूँ, आपके साथ बैठने वाला रहा हूँ, इसलिए कई कमियाँ हैं तो आप हमें बताएं, हम आपके माध्यम से उन कमियों को पूरा करने का प्रयास करते हुए एक अच्छा माहौल, जैसे माननीय मंत्री जी ने, राजू प्रताप रूडी जी ने मध्य प्रदेश के कौशल विकास विभाग को आज की तारीख तक अच्छा विभाग कहा, और उन्होंने तो यहाँ तक भी स्वीकार किया कि 1 नंबर पर है मध्य प्रदेश, उस 1 नंबर को और कैसे अच्छा कर सकते हैं।